नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम रेनो की कॉम्पैक्ट एसयूवी कैप्टर और डस्टर की तुलना करेंगे। क्या दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, पिकअप, माइलेज में कोई फर्क है? अगर है तो दोनों में कौन सी गाड़ी ज़्यादा कम दाम में ज़्यादा फीचर्स दिलाती है? किस गाड़ी के इंटीरियर ज़्यादा आकर्षक है? किस गाड़ी में ज़्यादा अंदरूनी जगह उपलब्ध है? किस गाड़ी में ऑटोमेटिक और फोर व्हील ड्राइव का पर्याय उपलब्ध है? ये सारी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेयर्स का कैप्टर वर्सेस डस्टर कंपैरिजन वीडियो। हमारे आने वाले वीडियोस का आपके मोबाइल पे तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। कैप्चर के टॉप एंड डीजल मैनुअल मॉडल प्लैटिन की कीमत है 16.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। डस्टर के टॉप एंड टू व्हील ड्राइव मैनुअल डीजल मॉडल RXZ 110 की कीमत है 14.5 लाख रुपए, जो टॉप एंड कैप्चर प्लैटिन से 2 लाख रुपए सस्ती है। कैप्चर प्लैटिन इतनी महंगी है तो जाहिर है उसमें ऐसे कई सारे फीचर्स होंगे जो टॉप एंड मैनुअल गियर डस्टर में उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे साइड एयरबैग्स, ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की, LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, लेदर अपहोल्स्ट्री, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग लैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स और ISO फिक्स पॉइंट्स। लेकिन अगर हम समान कीमत वाली कैप्चर और डस्टर की तुलना चाहे तो हमें डस्टर 110 RXZ 4x2 से कैप्चर के RXL मॉडल की तुलना करनी पड़ेगी, जिसकी कीमत है 14,75,000 रुपये, यानी कि डस्टर से सिर्फ 25,000 रुपये ज़्यादा। डस्टर RXZ में 3 ऐसे फीचर्स हैं जो कैप्चर RXL में उपलब्ध नहीं, जो है पार्किंग कैमरा, फॉग लैंप, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स। लेकिन कैप्चर RXL में भी 3 ऐसे फीचर्स हैं जो डस्टर RXZ में उपलब्ध नहीं, जो है LED DRLs, क्रूज कंट्रोल और ISO फिक्स पॉइंट्स। कैप्चर के टॉप एंड पेट्रोल मॉडल RXT की कीमत है 13,75,000 रुपये, जो डस्टर पेट्रोल के टॉप एंड RXL मॉडल से 3.5 लाख रुपये महंगी है। डस्टर में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के साथ ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स वाले विकल्प भी उपलब्ध है। डस्टर के RXS पेट्रोल CVT मॉडल की कीमत है 11,80,000 रुपये और RXZ डीजल AMT मॉडल की कीमत है 15,20,000 रुपये ऑन रोड दिल्ली। कैप्चर में फिलहाल कोई ऑटोमेटिक विकल्प उपलब्ध नहीं। डस्टर में फोर व्हील ड्राइव मॉडल भी उपलब्ध है, जो RXZ मैनुअल ट्रिम में आता है और जिसकी कीमत है 16 लाख रुपये ऑन रोड दिल्ली। अब हम बात करते हैं माइलेज की। डस्टर डीजल के 110 हॉर्स पावर वाले मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक दोनों मॉडल्स का ARAI माइलेज है 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर और कैप्चर के 20.4 किलोमीटर प्रति लीटर। लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान हमें इन दोनों गाड़ियों के माइलेज में कोई फर्क नहीं मिला है। डस्टर के 85 हॉर्स पावर वाले डीजल मॉडल का ARAI माइलेज है 19.9 किलोमीटर प्रति लीटर और डस्टर के 4x4 डीजल मॉडल का ARAI माइलेज है 19.7 किलोमीटर प्रति लीटर। डस्टर के पेट्रोल मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक मॉडल्स का ARAI माइलेज है 13.6 किलोमीटर प्रति लीटर और कैप्चर पेट्रोल मैनुअल का 13.4 किलोमीटर प्रति लीटर। अब हम बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस के बारे में। दोनों गाड़ियों में रेनो का मशहूर K9 के डीजल इंजन मौजूद है। 1500 सीसी का ये इंजन डस्टर में 2 विकल्प में उपलब्ध है, 85 हॉर्स पावर वाला और 110 हॉर्स पावर वाला, लेकिन कैप्टर में सिर्फ 110 हॉर्स पावर वाला विकल्प ही दिया गया है। दोनों गाड़ियों के 110 हॉर्स पावर इंजन वाले मॉडल्स का पिकअप लगभग एक समान है और 85 हॉर्स पावर वाली डस्टर से काफ़ी तेज है, लेकिन उसमें 85 हॉर्स पावर वाले मॉडल से ज़्यादा टर्बो लैग है, यानी कि कम RPM पे उसका पिकअप काफ़ी कमज़ोर लगता है। इसके विपरीत 85 हॉर्स पावर वाले मॉडल में 1500 RPM से टर्बो घूमने लगता है। इसी वजह से शहरी सड़कों पे 85 हॉर्स पावर वाला मॉडल चलाने में ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते। स्मूथनेस के मामले में कैप्टर डस्टर से थोड़ी सी बेहतर है। दोनों गाड़ियों के पेट्रोल मॉडल्स में रेनो का 1600 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। उसमें 106 हॉर्स पावर और 142 न्यूटन मीटर टॉर्क उपलब्ध है। हाई RPM पे इन पेट्रोल गाड़ियों का पिकअप काफ़ी अच्छा है, लेकिन मिड रेंज कमज़ोर है। हाईवे पे ओवरटेक करते वक्त दोनों गाड़ियां तेज़ी से रफ्तार नहीं पकड़ती। इनके मुकाबले डीजल इंजन वाले मॉडल्स ओवरटेकिंग करने में बेहद श्रेष्ठ हैं। लो RPM पे भी पेट्रोल गाड़ियों का पिकअप काफ़ी कमज़ोर है, बस स्मूथनेस के मामले में पेट्रोल मॉडल्स डीजल से बेहतर है। कैप्टर में फिलहाल कोई ऑटोमेटिक गियर वाले मॉडल्स उपलब्ध नहीं। डस्टर में पेट्रोल अथवा डीजल दोनों इंजन के साथ ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स वाले विकल्प उपलब्ध हैं। डस्टर पेट्रोल में आधुनिक CVT टाइप का गेयरबॉक्स उपलब्ध है, जो बेहद स्मूथ है, लेकिन उसमें रबर बैंड इफेक्ट की समस्या है, यानी कि एक्सेलेटर दबाने पर इंजन का RPM तेज़ी से बढ़ जाता है,
लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसके विपरीत डस्टर डीजल में AMT टाइप का गेयरबॉक्स दिया हुआ है, जो CVT जितना स्मूथ तो नहीं है लेकिन तेज़ी से गियर बदलता है और अच्छा पिकअप देता है। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट के बारे में। कैप्टर के इंटीरियर डस्टर से बेहद ज़्यादा आधुनिक और उच्च श्रेणी के लगते हैं। अंदरूनी जगह के मामले में दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। दोनों गाड़ियों में 5 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। कैप्टर में सामान रखने के लिए 390 लीटर का बूट स्पेस उपलब्ध है, जो डस्टर के 4x2 मॉडल से लगभग 80 लीटर छोटा है और डस्टर 4x4 मॉडल से लगभग 20 लीटर कम है। अब हम बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। दोनों गाड़ियों के चेसिस, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं। दोनों गाड़ियां हमारे देश की टूटी फूटी सड़कों के लिए बिल्कुल उचित है। वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को आसानी से सोख लेती है। उनका 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कच्ची सड़कों के लिए भी पर्याप्त है। अगर आप डस्टर का 4x4 मॉडल खरीदते हैं तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस और भी 5 mm ज़्यादा है। मिट्टी और कीचड़ से भरी सड़कों पे तो 2-व्हील ड्राइव मॉडल से बेहतर पकड़ बनाए रखती है। दोनों गाड़ियां मोड़ों पे अच्छी पकड़ और नियंत्रण दर्शाती हैं और तेज़ रफ्तार पे भी अपना संतुलन बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस के बारे में। टिकाऊपन के मामले में डस्टर का प्रदर्शन काफ़ी ठीक रहा है, लेकिन टोयोटा, ह्यूंडई या सुजुकी जैसे प्रतिस्पर्धियों जितना नहीं। अधिकतर डस्टर ग्राहकों को छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैप्टर ग्राहकों का अनुभव भी वैसा ही रहने की संभावना है। सर्विस के मामले में भी रेनो के डीलरशिप्स की कारीगरी और व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही है। रेनो के देश भर में लगभग 200 सर्विस सेंटर उपलब्ध हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट SUV के मार्केट में मजबूत खपत है, जिसके कारण डस्टर सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी कीमत दिलाती है और कैप्टर भी ज़रूर दिलाएगी। अब हम बात करते हैं अंतिम निर्णय की। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं और पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं तो आपके लिए डस्टर 4x4 सबसे उचित विकल्प है। कैप्चर प्लाटिन से 40,000 रुपये कम देकर आपको एक लाजवाब 4-व्हील ड्राइव गाड़ी मिल जाएगी, जो कीचड़ और मिट्टी से भरे रास्तों पर फ्रंट व्हील ड्राइव कैप्चर से बेहद अच्छी पकड़ और नियंत्रण रखेगी। अगर आप ज़्यादातर शहरी सड़कों पर गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं तो फिर भी डस्टर के ऑटोमेटिक वेरियंट्स आपके लिए कैप्चर से बेहतर विकल्प है। वह आपको हर रोज की क्लच गियरबॉक्स रगड़ने की झंझट से छुटकारा दिला सकते हैं और पिकअप, माइलेज, अंदरूनी जगह, कंफर्ट, टिकाऊपन और सर्विस के मामले में कैप्चर की बराबरी भी कर सकते हैं। ऊपर से उनकी कीमत समान फीचर्स वाले मैनुअल गियर कैप्चर से भी सस्ती है। लेकिन अगर आपने मैनुअल गियर वाले मॉडल खरीदने का निश्चय कर लिया है तो कैप्चर डस्टर से थोड़ा सा बेहतर विकल्प है। कैप्चर के मिड रेंज मॉडल और डस्टर के टॉप एंड मॉडल की कीमत एंड फीचर्स दोनों लगभग एक समान है। अगले साल नई डस्टर मार्केट में आने वाली है, जिसके कारण मौजूदा मॉडल की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब लंबी दौड़ में कैप्चर समान फीचर्स वाली डस्टर से सस्ती पड़ेगी। ऊपर से कैप्चर के इंटीरियर्स डस्टर से काफ़ी ज़्यादा आधुनिक और आकर्षक भी है। अगर कैप्चर में ऑटोमेटिक विकल्प उपलब्ध होते तो वह इस तुलना की निसंदेह विजेता होती। अगर आपको कैप्चर या डस्टर की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।